नोटिफिकेशन आ गया है तो आप लोगों के जो कॉल आते हैं उनका जवाब है, किसी भी व्यक्ति ने जो है वो जवाब नहीं दिया है कि आखिर रेलीवर्ती कहाँ आ गई है, कहाँ शो हो रहा है। कईयों ने तो यहाँ तक कह रखा है कि मेन वेबसाइट पे आप नोटिफिकेशन देखिए, ये कीजिए वो कीजिए। तो ये यहाँ पे आपको एक डेट दिखाई दे रही होगी, 2/3/2022 से 14/3/2022 तक। तो ये रेली भर्ती जो है वो कौन सी है, क्या इसका सिस्टम है, कैसे पता लगा, या फिर ये जो लोग हैं वो इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कैसे बोल रहे हैं कि ये भर्ती होने वाली है। तो पहली बात तो ये कि भर्तियां जो है अब इसी प्रकार आएगी, ये रेली नोटिफिकेशन आपको क्यों नहीं मिल रहा है, कहाँ पे ये मिलेगा, या आपके क्षेत्र का है वो नोटिफिकेशन कहाँ है, तो वो चीज़ें भी आपको बताएंगे। उससे पहले बता दूं कि कुछ भाई लोग फोन करते हैं कि रेली भर्ती आ रही है तो हम भर्ती के 1 महीने पहले आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका, भर्ती के 1 महीने पहले हम एकेडमी आना चाहते हैं, तो भाई मैं स्पष्ट मना कर रहा हूँ, आपको एकेडमी में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1 महीने में कोई भी तैयारी नहीं करवा सकता, आपके 7-8 हज़ार रुपये हैं वो बर्बाद होने वाले हैं। इसलिए 1 महीने के लिए आप एकेडमी में तैयारी करने के लिए ना ही आए तो बहुत बेहतर होगा। दूसरा सवाल आपका रहता है कि सर काफी लोग हमें सजेस्ट करते हैं कि दौड़ते हुए अगर गला सूख जाए, अगर हम रनिंग कर रहे हैं 1600 मीटर की और गला बहुत ज्यादा सूखता है, तो कईयों ने ये सजेस्ट किया है कि हाथ पे गीला रुमाल रखो और जैसे ही गला सूखे उस गिलास को चूस लो, ठीक है, उसको साइड रुमाल को जो है मुंह में लेके पानी खींच लो, इससे प्यास बुझ जाएगी, बहुत अच्छी बात है। दूसरे व्यक्ति ने ये बताया कि नींबू, सर नींबू यूज कर सकते हैं हम, इससे गला नहीं सूखेगा। एक बंधु ने च्युइंगम, तो ये चीज़ें आपको सारी बता दूं कि आप 10 किलोमीटर कर रहे हो ये सब चीज़ें यूज करो, आप 5 किलोमीटर कर रहे हो ये सब यूज कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप 1500 मीटर 1600 मीटर की रनिंग कर रहे हो तो ये समझ लेना पूरे बदन पर एक चड्डी और एक बनियान दो ही चीज काम में आने वाली है। तीसरे अगर कोई बहनचोद ये चीजें बोल रहा है आपको तो कहीं ना कहीं गुमराह कर रहा है और इनसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। कुछ चूती है, ऐसे भी है जो कहते हैं भांग की गोली खा के तोड़े, तो ये आपके सवाल रहते हैं तो मैं सबको ही बता देता हूँ भाई, इनमें कुछ नहीं रखा 1600 मीटर के लिए, लास्ट और लास्ट एक ही चीज है, वो है प्रैक्टिस, वो है समय और वो मेहनत और वो रगड़ा चाहिए, नहीं तो ऐसे ही रोते रहते हैं, कुछ नहीं हो पाता। अब चलिए आगे बात करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लेके जाता हूँ कि ये पूरा माजरा जो सुबह से कोहरा मचा हुआ है, कल से परसों से आ गई भर्ती आ गई भर्ती, तो आखिर कहाँ है वो नोटिफिकेशन जो आपको इस वेबसाइट पे लोग बता रहे हैं, वेबसाइट पे आ गया है, यहाँ आ गया है, वहाँ आ गया है। तो चलिए चलते हैं और ये वीडियो जरूर शेयर कर दें आप, ताकि जो बच्चे कन्फ्यूज होके कॉल कर रहे हैं, क्योंकि मैं जवाब भी सब बच्चों के देते हैं। और वो एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूं कि रेली भर्तियां जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं स्क्रीन पे, इसी प्रकार से नोटिफिकेशन आएंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। उन बच्चों के लिए स्पेशली बोल रहा हूं जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, जिनकी उम्र सीमा जा रही है उनके लिए मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन जिनकी उम्र है और वो बोल रहे हैं कि हम तो 1 महीने में तैयार हो जाएंगे, आप हमें 1 महीने के लिए एडमिशन दे देना, भाई नहीं हो पाएगा। अभी फिलहाल भर्तियां नहीं आ रही तो आपका मिनट टाइम टाइम आपका 5 मिनट, 5 5 5 10 आ रहे हैं, तो आपको एकेडमी आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर पे उसको मेंटेन करो, 5 10 5 मिनट, चाहे वो ग्राउंड का हो चाहे वो सड़क का हो, और जब भर्ती नजदीक आ जाए 1 महीना बचे तो आप एकेडमी की तरफ रुख कर सकते हो, क्योंकि एकेडमी आने में एक ही फायदा होता है, वो है कि हम एक क्राउड में एक भीड़ में रनिंग का एक्सपीरियंस हो जाए, भीड़ में कैसे क्रॉसिंग करते हुए हमें बच्चों से आगे निकलना है वो नॉलेज हो जाए। नहीं तो फिर ये बातें ही रहती है कि पहले राउंड धीरे धीरे दौड़ो, फिर धीरे धीरे दौड़ो, फिर धीरे धीरे, ये जमाने गए, ये जमाने उस समय थे, पुराने किसी फौजी के पास आप बैठोगे तो वो यही राय देंगे आपको कि पहला चक्कर स्लो स्लो लो, फिर दूसरा स्लो स्लो लो, तीसरे चौथे में खींच दो, ये कर दो वो कर दो। आजकल वो बातें नहीं रही है, सारे बच्चों को ये सब चीज़ें पता है, दूसरी हमारे जैसे यूट्यूबर बताते रहते हैं, तो आजकल तो सिर्फ प्रैक्टिस ही रही है, और वो भी 1 महीने की 2 महीने की प्रैक्टिस अगर आपकी ग्रुप में है तो आपकी जो है 1600 मीटर क्लियर करने से किसी का पाप नहीं रोक सकता। बाकी ये पानी हाथ में ले लो और मुंह में च्युइंगम खा लो और गले में पट्टा डाल लो और कोट पहन लो और ये कपड़ा पहनो और वो कपड़ा पहनो और वो जूते पहनो और ये जूते पहनो और कुछ घंटा नहीं रखा, 5 मिनट का खेल है, जान नहीं निकलेगी। मेरा तो यही उसूल है, यही मानना चाहिए, साला 5 मिनट दौड़ना है या तो बाड़े में या एम्बुलेंस में, बस जिस दिन ये दिमाग में आ गई कि या तो बाड़े में जाऊंगा
या साला एम्बुलेंस में जाऊंगा, उस दिन आपकी रेस क्लियर होगी। लेकिन उसके साथ में मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं परहेजी भी करना पड़ेगा कुछ चीज़ों से, तली भुनी चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन चूमीन ये सब खाने से परहेज करना होगा, पूरा समय अपनी प्रैक्टिस को देना होगा। अब चलिए बात करते हैं कि वो नोटिफिकेशन कहाँ है। तो ये मेन वेबसाइट है इंडियन आर्मी की, आप जैसा कि देख सकते हो, और पीछे चले तो आप देखिए ये होम पेज पे। अभी वेबसाइट कौन सी है, www.joinindianarmy.nice.in। अब इस रैली प्रोग्राम में आते हैं तो यूट्यूब पे लोगों ने वीडियो बना रखे हैं कि रैली नोटिफिकेशन आ गया, रैली नोटिफिकेशन आ गया। आप यहां जा रहे हो रैली नोटिफिकेशन पे, आपने यहां क्लियर की, आपने यहां पे क्लिक किया, क्लिक करते ही यहां आया तो आप देख रहे हैं कि यहां पे आर्मी रिक्वायरमेंट रैली एट अरिनगर स्पोर्ट्स स्टेडियम वगैरह आ रखी है, काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं। लेकिन आप देखते हो ये आया होगा शायद अपने क्षेत्र की नहीं तो किसी क्षेत्र का तो आया होगा, कुछ तो पता लगा होगा। पीडीएफ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 15 सितंबर 2021, ये 2021 का है। तो अब जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं यहाँ है वहाँ मिलेगा, यहाँ नोटिफिकेशन आया, वो है कहाँ आखिर? तो यहाँ आपको वो चीज़ नहीं मिलने वाली है, मैं अच्छे से बता दूँ। इसके लिए आप वापस जाइए होम पे, होम पे आर्मी की वेबसाइट पे जब हम आते हैं और नीचे अगर चलते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो एक लिखा हुआ है रैली प्रोग्राम। आपको मैं खुद बता रहा हूँ, आप खुद तैयारी कर सकते हो इस बेस पे, किसी के भरोसे रहने की जरूरत तो नहीं है कि मेरी भर्ती वर्ती कब होगी। रैली नोटिफिकेशन यहाँ नहीं है, रैली प्रोग्राम यहाँ पर अपन गए, यहाँ पे सेलेक्ट करो स्टेट नेम, स्टेट जैसे अपन ने ले लिया कुछ भी मान लो, जैसे कि अपन ने यहाँ पे चलो राजस्थान ही लेते हैं, यहाँ पे अपन ने लिया राजस्थान, और यहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज आती है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अपन ने ले लिया जयपुर, राजस्थान जयपुर। यहाँ पे आप सर्च मारो, सर्च मारेंगे यहाँ लिखा हुआ है नो रिकॉर्ड फाउंड, यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर ये कौन सी रैली भर्ती की बार बार बात चल रही है, जिसके फॉर्म जो है 2 मार्च से भरे जाएंगे। इसमें पद आप देख सकते हो, ये टोटल पद दिए हुए हैं भाई, इनकी भर्ती आने वाली है, यहाँ आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे चलते हैं, एक हिमाचल प्रदेश की जो है भर्ती आई हुई है, तो ये रहा हिमाचल प्रदेश, आप भी इसको आसानी से चेक कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश में अपन ने क्लिक किया, यहाँ पे गया, यहाँ पे जिला किन्नूर है कोई, यहाँ पे अपन ने सर्च किया। तो आप जब सर्च करते हैं तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश किन्नूर शिमला ये सारी जो भर्तियाँ हैं ये नीचे आप कैटेगरी देख सकते हो, और ये भर्ती यहाँ पे लिखा हुआ है सीधा सा आपको दिखाई दे रहा हो तो, एप्लीकेशन स्टार्ट फॉर्म 15/7/2021 और एंड एप्लीकेशन एंड डेट 28/8/2021, लेकिन रैली स्टार्ट डेट 2/3/2000, यानी कि ये रैली भर्ती 15/7/2021 को होनी चाहिए थी, ये रैली भर्ती जो है 15/7/2021 को होनी चाहिए थी। अगर पिक्चर सही दिखाई नहीं दे रही आपको तो आवाज़ आप इस पर सुन सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 15/7/2021 को भर्ती होनी थी, लेकिन इसकी नई डेट जो आई है वो आई है 2/3/2022, इसकी एंड डेट थी 28/8/2021 और अभी जो नई डेट आई है वो है 14/3/2022 और रैली स्टार्ट होगी 2/3/2022 से। तो यहाँ पे ये रैली प्रोग्राम जो है वहाँ आप जाके अपने क्षेत्र की भर्ती देख सकते हो कि कब की डेट उसकी लगी हुई है, और यहाँ से आपको क्लियर पता लग जाता है। अभी भी आपके कोई सवाल है तो बिल्कुल आप कमेंट करके और पूछ सकते हैं। दूसरा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1 महीने में भाई बाबू भर्ती नहीं हो पाओगे, उसके लिए लंबी मेहनत करेगी, मिनिमम 3 महीने आप मेहनत करोगे तब जाके कहीं आर्मी का फिजिकल लगेगा, और साल में एक बार मौका मिलता है। अगर आर्मी का सपना देखा है तो लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।